राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी। संयम और श्रद्धा से युक्त होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं एक पुरानी कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा था। इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत सारे दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। तब वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है और आपने लोकहित में यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से भी छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में बहुत सारे भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बहुत ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। वह अपने पिता का अधिकांश धन बुरे व्यसनों में ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब बहुत समझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना गुजारा करने लगा और जब
धन भी उस पर खत्म हो गया, तब वेश्याओं और उसके दुष्ट मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने की सोची और रात में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने उसका लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। उन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुण पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के करने से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य एक सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर है। कथासार, मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को ना केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं, तब व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन उन्हें सदमार्ग बताते हैं जिससे उनका कल्याण होता है। आज आप सबने बड़े ही प्रेम से मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण किया और आज हमने यह भी जाना कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही संगति कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिना कुछ किए ही व्यक्ति का उत्थान होता है, व्यक्ति को बुद्धि आती है और कुसंग में पतन होता है। इसलिए कुसंग और पतन से बचिए। ठाकुर जी महाराज की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी बुलवांके बिहारी लाल की, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की। तो कैसी लगी आज की कथा? अच्छी। क्या क्या समझ में आया? कि हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो आप सब भी सही रास्ते पर चलो, कोई भी पाप कर्म ना करो। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के श्री चरणों में हम दोनों ही करते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री हरदास।